स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, युवती के साथ रेप करके बनाया न्यूड वीडियो, घुमाने के बहाने ले गया फिर किया दुष्कर्म। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती को बंधक बनाकर रेप करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने युवती का न्यूड वीडियो भी बनाया था, जिसे आए दिन वायरल करने की धमकी देता था। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवक पहले किराएदार युवती को घुमाने के बहाने ले गया और उसे बंधक बनाकर रेप किया। इस दौरान उसने युवती का न्यूड वीडियो भी बना लिया था। युवती से उसने शादी करने का वादा भी किया, लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया। फिर वो युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। परेशान होकर युवती ने थाने में केस दर्ज करा दिया। टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि 24 वर्षीय युवती पिछले एक साल से सिविल लाइन क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। उसके साथ परिवार के सदस्य भी रहते थे। युवती प्राइवेट जॉब करती थी। युवती के घर मस्तूरी के दर्रीघाट निवासी मकान मालिक दीपक गेंदले 26 वर्ष का आना जाना था। वह भी प्राइवेट जॉब करता है। युवती को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने पहले दोस्ती की, फिर करीब 8 महीना पहले उसे घुमाने के बहाने दर्रीघाट ले गया, जहां उसने मौका पाकर उसके साथ रेप किया। युवती ने पुलिस को बताया कि दीपक ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया। युवती घटना की जानकारी किसी को न दे, इसलिए युवक ने उसके साथ शादी करने का वादा किया। कुछ समय बाद जब युवती ने शादी करने के लिए दबाव बनाया, तब युवक उसे और परिवार वालों को मकान खाली करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, ताकि युवती उस पर शादी के लिए दबाव न बना सके। युवती ने पुलिस से शिकायत में बताया है कि दीपक गेंदले ने उसका न्यूड वीडियो भी बना लिया था, जिसकी उसे पहले जानकारी नहीं थी। जब वो युवक से शादी करने के लिए बोली, तब युवक मकान खाली करने के नाम पर धमकाने लगा। फिर बाद में उसने वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती उसकी हरकतों से परेशान हो गई और पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ धारा 366, 342, 376, 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।